हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको ब्लड के बारे में बता दिया था, ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिया था, ब्लड के बारे में बताया था। अब उसमें मैंने टोटल 4 स्लाइड बनाया हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या बात करूँगी यहाँ पर, ब्लड सर्कुलेशन, कि ब्लड कैसे हमारी बॉडी में घूमता है आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें मैं अभी आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताऊँगी, इसमें आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में बताऊँगी, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊंगी, देन उसके बाद वाली स्लाइड में मैं आपको ब्लड प्रेशर वगैरह नापना बताऊंगी, ठीक है। इसे 3 स्लाइड में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो होती है, जो ह्यूमन होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। हम लोग एक मशीन के जैसे, ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोसेस को फंक्शन कराने के लिए इफिशियंटली, हर एक का अलग काम होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क, कैसा नेटवर्क जो है ये कंसिस्ट करता है, आर्टरीज का, वेन्स का एंड कैपिलरीज का। अगर मोटा मोटा हम ऐसे भी याद करें, आर्टरीज जो है जिसमें प्रेशर्स के साथ जो है ब्लड आता है, ठीक है, ये बहुत गहराई में होती है, सबसे लास्ट होती है, यानी बहुत अंदर होती है। फिर वेन्स की बात करते हैं जिसमें थोड़ा कम प्रेशर से ब्लड होता है, एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज आप समझते हो गए जैसे एकदम महीन कैपिलरी, जैसे हमारी स्किन के ऊपर होती है, इसे बहुत, इसे प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे दीवार पर हम टकरा गए या छिल गया तो थोड़ा सा खून आ जाता है, सो वो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज होती है, ठीक है। विद द हार्ट पम्पिंग ब्लड थ्रू आउट, इसकी जो खोज की थी ब्लड सर्कुलेशन की, किसने करी थी, विलियम हार्वे ने की थी। और अगर अगर किसी भी ब्लड को अगर हम प्रेशर के साथ डालते हैं या प्रेशर के साथ जाता है तो उसके लिए किसी नस की ज़रूरत होती है, यानी किसी पाइप की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे ये पाइप है, इस पाइप के थ्रू हमारा ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब इस पाइप में ये खोखला होगा तभी तो ब्लड जाएगा, तो इस खोखलेपन को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूमेन, ठीक। अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर तभी लगेगा जब हमारे पास पाइप होगा, ठीक है, पाइप होगा तभी हम प्रेशर लगा सकते हैं। आप अगर पानी है ज़मीन पे पड़ा है तो क्या आप उसको ऐसे हाथ से करके या किसी चीज़ से करके आप प्रेशर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो प्रेशर का, ये इसमें प्रेशर के थ्रू जहाँ पर ब्लड जाता है दैट इज़ कॉल्ड आर्टरीज, एंड जहाँ बिना प्रेशर के होता है वेन्स, ठीक है। अगर जैसे सपोज हमने बॉल को बॉल पे हिट किया तो जितने प्रेशर से मैं हिट करूँगी इतना डैम श्योर है कि वो उतने डबल प्रेशर से या सेम प्रेशर से हमारे तब तक रिटर्न नहीं आएगा, कुछ उसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही, इसी तरीके से आपको याद करना, इसमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मिक्स। इसको मैं आपको बता देती हूँ, ओपन क्या होता है, ओपन मतलब खुला हुआ, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, स्नेल को ले लो, ठीक है, और आप किसको लोगे, आप कॉकरोच को ले लोगे। आप कभी भी कॉकरोच हो गया या स्नेल हो गया, उस पर आपकी चप्पल पड़ जाएगी, उसे चप्पल से दबा दीजिए तो उसमें हमेशा बस पच्च से आवाज़ आएगी और वो मर जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि उसका इतना प्रेशर है कि, जैसे आपने देखा होगा मुर्गा कटता है तो उसका ब्लड बहुत तेज़ी से बहता है, वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन है, इसमें पूरी बॉडी में कोई प्रेशर नहीं है, ओपनली जो है ब्लड फ्लो करता रहता है। तो जब इसमें ओपनली होगा तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इनका जो कंकाल होगा या स्केल्टर होगा वो बॉडी के ऊपर होता है। जैसे आपने कभी स्नेल को देखा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो वो ऊपर उनका जो है ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना होता है। इसलिए बना होता है क्योंकि जो ब्लड होता है, अगर ब्लड कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो जहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ मोटा हो जाएगा, जहाँ पर कम हो जाएगा, तो उनको शेप देने के लिए इनके कंकाल बॉडी के ऊपर हिस्से में बना रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज्ड की। क्लोज्ड में जैसे हम लोग, हमारी बॉडी बंद है, ठीक है, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, और इसमें जो है ह्यूमन एंड अर्थवर्म आ जाएंगे। अर्थवर्म की अगर बात करें तो वन डायरेक्शन में जाता है, ये बाद में समझाएंगे, बट अभी क्लोज्ड और ओपन की बात चल रही है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, तो हमारी बॉडी में ऊपर स्किन होती है, देन उसके बाद अंदर साइड पे हमारे स्केलेटल होते हैं,
इसलिए अंदर ही तो होते हैं, जब हमारा ऑर्गेन हार्ट है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर सारे स्केलेटल वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं, वरना ऊपर तो ये मांस और ये सेल वगैरह हमारी होती है। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड की अगर बात करी जाए तो मिक्स्ड में दोनों ही होगा, ओपन भी होगा एंड क्लोज्ड भी होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा फिश। फिश को क्या करते हैं, अगर कट करते हैं तो इतनी तेज़ी से खून नहीं बहता, बहता है उनके जो एक दुम वाले हिस्से में और उनके लंग्स वाले हिस्से में यानी गिल्स वाले हिस्से में क्लोज्ड और ओपन वाला सीन होता है, ठीक है। तो ये जो है हमने तीनों को इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिश एंड फ्रॉग। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल होगा ह्यूमन एंड अर्थवर्म, एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल होगा स्नेल एंड कॉकरोच। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी आर्टरीज एंड वेन्स क्या होती हैं, ठीक। ओके, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आर्टरी एंड वेन्स, ये दो तरह की हमारे पास ये नर्व्स है, ठीक है। इसमें क्या, अब मैं बात करूंगी आर्टरी एंड वेन्स में डिफरेंस क्या है। इनका जब डिफरेंस याद कर लेंगे तो हम इनके बारे में भी पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। आर्टरी, इसमें याद करने का तरीका जैसे मैं बताऊँ, ए अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, ठीक है, जो पहले आएगा। या इसको कह देते हैं ए ग्रेड का मतलब क्या होता है, अच्छी क्वालिटी, ठीक है। कहते नहीं ए वन क्वालिटी का सामान मिला है, ए ग्रेड मिला है, तो इसका मतलब होता है टॉप वन, ठीक। तो इसमें हम बात करें जो ब्लड होता है वो हार्ट से बॉडी में जाता है, यानी प्योर ब्लड होता है। जो हार्ट बॉडी को दे रहा होता है ब्लड, तो वो प्योर ब्लड दे रहा होता है, यानी ऑक्सीजन को कंटेन करते हुए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट हो गया हार्ट से बॉडी में जाता है। जब हार्ट से बॉडी में जाता है तो ये क्या करेगा, प्रेशर से, बहुत ज्यादा प्रेशर से, इसमें नली होती है तो इसमें जो है जब ब्लड जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर से जाता है। वो प्रेशर क्या होता है, 120, ठीक है। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आर्टरी में जो ब्लड जाता है, तो इसका प्रेशर कितना होता है, 120। अगर ये 120 का प्रेशर होता है तो क्या होता है, जैसे आपने वॉल के बारे में पढ़ा होगा, बट इसमें वॉल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका भी रीजन है। अब ऐसे ही नहीं होता है कि गॉड जो है हर जगह वॉल को फिक्स करते हैं, वॉल का भी तो खर्चा आता है। तो ये क्या करते हैं, इसमें जब कोई भी आप पाइप में बहुत तेजी से फोर्स से वाटर जा रहा है, इसमें ब्लड जा रहा है, तो जब जा रहा है तो इसका मतलब ये वापस नहीं आ पाएगा, ये जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। तो इसलिए वॉल की जरूरत नहीं होती है, ये जिस जगह पे जाना है ये आराम से जा सकता है। इसलिए इसका प्रेशर जब ज्यादा है तो ये जो है इसमें कोई वॉल नहीं होता है और ये बॉडी के एकदम अंदर होता है, इनसाइड। जैसे अगर इसकी बात करें आर्टरी वगैरह, अगर ये कट जाए तो बॉडी का सारा ब्लड बहुत तेजी से निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करते हैं, इसका जो ब्लड होता है थिक होता है और रेड कलर का होता है, ठीक। पतला होगा तभी इतनी फ्लो से जाएगा, गाढ़ा होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जो आर्टरीज में ब्लड जाते हैं वो बहुत, आर्टरीज में जो ब्लड होते हैं वो बहुत थिक होते हैं और रेड होते हैं, इतने प्रेशर से जा रहा है। अगर ये गाढ़ा भी है तो आराम से जा सकता है, क्योंकि इसे प्रेशर की वजह से इसे गाढ़े पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसमें प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं है कि ये लाल है इसलिए प्योर दिखता है, प्योर का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन अगर एक पॉइंट याद करें, पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। उसमें क्यों इम्प्योर ब्लड होता है, जब जो है ब्लड बॉडी से हमारे हार्ट में आता है, आने से पहले वो देखता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को पहले लंग्स में भेजता है। जब लंग्स में गया तो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा। जब पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा तो फिर वो ऑक्सीजन को अपने में ऐड करेगा, देन वो हार्ट में आएगा, ठीक है। इसलिए इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, एंड आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरीज में इम्प्योर होता है, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है जो इसमें ब्लड बह रहा होता है। एंड जो आर्टरीज होती है उसमें जो है हमारा प्योर ब्लड होता है, जो हार्ट की आर्टरीज होती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, जो वेन्स होती है वो आर्टरी से छोटी होती है। अब इसमें क्या करते हैं, जो ब्लड होता है वो बॉडी से हार्ट में आता है, तो जब जितने प्रेशर से कोई भी चीज जाएगी उसके कम प्रेशर से वो वापस आती है। तो क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे कोई वॉल्व है, ठीक है, वेन्स। अब इसमें ये वॉल्व लगे हुए हैं, ये वॉल लगे हुए हैं, अब ये इधर ही से तो ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे निकलेगा। तो क्या होगा, जब इसका प्रेशर कम होगा तो जैसे ये बॉडी से ब्लड आया यहाँ तक गया, एक वॉल पार कर पाया धीरे धीरे, अब जब इसे प्रेशर नहीं है तो ये वापस आ सकता है। तो ये वॉल क्या करता है, यहाँ पे बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो जो ब्लड यहाँ पे रह जाता है, अब ये आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि प्रेशर कम है। तो फिर क्या करेगा, जब नेक्स्ट चलेगा दूसरा ब्लड आएगा तो वो इसको पुश कर देगा, तो वो और आगे चला जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यूशन में ऐसे बना रहता है और ये वॉल बंद होती जाती है, तो जो ब्लड है यहाँ पर गया वो वापस नहीं आ पाता है, बिकॉज ऑफ इसका प्रेशर कम होता है। इसलिए इसमें वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो है जस्ट स्किन के नीचे होता है। अब इसमें क्या बात करेंगे, इसमें जो है इतना बात हो गया। अब ये एक तो इसे प्रेशर कम है और अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो आसानी से नहीं ये सर्कुलेट कर पाएगा। तो क्या करते हैं, इसका जो ब्लड होता है वो थिन होता है और ब्लू कलर का होता है थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको जो है लेकर ये हार्ट में डालता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, दैट इज पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड होता है। जब इसमें इम्प्योर है वो क्यों होता है, जैसे हमने यहाँ बताया था कि हार्ट सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी को देता है, देन इसके बाद ये अपना अपने पास डाल लेता है, जिससे क्या होता है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो जस्ट अपोजिट। तो आई होप सो आपको आर्टरीज एंड वेन्स में फर्क पता चल गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। और इसमें एक बात और है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था आपको कि ये कोई वॉल है, वॉल के जो बीच का पार्ट है उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम के नियर अबाउट होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो वो क्या करता है, इस पाइप में जमने लगता है। जब इस पाइप में जमने लगेगा, कोई भी फैट जमने लगेगा किसी भी पाइप में, तो वो पाइप में ब्लड नहीं जा पाता है, यानी उसको ब्लॉकेज होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह आता है, ठीक है। इतना आपको जो है क्लियर हुआ। लेट्स लर्न अबाउट
द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, कैसे जो है बॉडी में जो ब्लड होता है उसका रास्ता क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। ये हार्ट है, आर्टा को हम लोग धमनी बोलते हैं हिंदी में, आर्टरी को आर्टा को महाधमनी, देन धमनी, देन छोटी धमनी एंड देन केशिका, ठीक है, ये हिंदी में होता है। सो इंग्लिश में क्या है, आर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल एंड कैपिलरी। ये क्या होगा, जो हार्ट होगा ये पंप करता है ब्लड को, ये लंग से जो ऑक्सीजन कंटेन करके यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ये क्या करेगा, ये इसमें ऑक्सीजन को सब जगह प्रोवाइड करेगा, फ्लो करेगा। जो ऑटा था ये बस इसमें 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 क्या फर्क है, साइज का फर्क है, काम भैया यहाँ जाएगा ऑटा में, देन ऑटा से क्या जाएगा, ये सबसे मोटी होती है, देन उसके बाद आर्टरी, आर्टरी से जाएगा सबसे छोटी में आर्ट्रियल, देन उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज क्या होती है, कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है, एकदम महीन होती है, ये हमारी सेल के एकदम जस्ट नीचे होती है। अब यहाँ पे जाते जाते ऑक्सीजन खत्म हो गया, ठीक है, अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर ये वेनलेट्स में, वेन में एंड वेनाकावा में इस तरह से फ्लो करेगा एंड देन हार्ट तक पहुंचेगा। जब हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट क्या कहेगा लंग से कि लंग्स इसमें ऑक्सीजन ऐड करो, देन मैं इसको पंप करूंगा। फिर वो लंग्स उसमें ऑक्सीजन ऐड करेगा, देन अगेन वो हार्ट में जाएगा, देन आर्टा, आर्टरी, आर्टरियोल एंड देन कैपिलरी, देन कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर ब्लड चलेगा, देन वेनलेट, वेन, वेनाकावा, ये एरो, दिस इज एरो, ओके, हार्ट से ऑटा, आर्टरी, आर्टरियोल, देन कैपिलरी एंड देन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेते हुए ये वेनलेट, वेन एंड वेनाकावा एंड देन हार्ट। हार्ट क्या करेगा, लंग से ऑक्सीजन मिलवाएगा और फिर वो ब्लड को लेगा, देन इस तरीके से ये थ्रू आउट द बॉडी इसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। आई होप सो आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ एंड प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज एंड ऑल्सो इनको ऑन करना मत भूलिएगा। एक्चुअली ये आज मैं पहली बार अपनी वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने और यूट्यूबर्स को देखा है, वो बोलते हैं ताकि इससे क्या होता है, जो मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख के कुछ याद कर सको। थैंक यू सो मच।